तुलसी पेड़ा गांव में तुलाराम और उसकी पत्नी चिंतामणि रहते थे। दिसंबर का सर्द मौसम था और इस मौसम में तुलाराम को चाय का बड़ा शौक था। वो अपनी पत्नी से हर वक्त चाय मांगा करता। दिन भर बस चाय की रट लगाए रहते हो, सारा दिन चाय की चुस्कियाँ लेते रहते हो। कुछ पता भी है, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। चाय बनाने के लिए भी चीनी, चाय पत्ती और दूध नहीं है। क्या कहा? घर में चाय बनाने का सामान नहीं है? अरे इतनी सर्दी में चाय के बिना गुजारा कैसे होगा? तुलाराम बहुत आलसी था और ठंड के मौसम में तो उसका आलस और भी बढ़ जाता था। उसे सारा दिन कंबल के अंदर बैठकर चाय पीना अच्छा लगता था। घर में चाय बनाने का सामान नहीं है, ये सुनकर तुलाराम झटपट काम की तलाश में बाहर निकल गया। उसने मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे कमाए और चाय बनाने का सामान लेकर घर लौटा। हे भगवान, इस आदमी ने तो हद कर दी। सिर्फ चाय बनाने का सामान लाए हो, खाना नहीं खाओगे क्या? आटा, चावल, दाल, ये सब कौन लाएगा? उसका इंतजाम भी कर दूंगा। कल मैं मेहनत मजदूरी करके जो पैसे कमाऊंगा उससे राशन भी ला दूंगा। अब एक कप चाय तो पिला दे भाग्यवान। चिंतामणि गुस्से में तुलाराम को चाय बना कर दे देती है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो खुद भी एक कप चाय पीकर सो गए। तुलाराम दूसरे दिन सुबह सुबह काम की तलाश में निकल पड़ा। अजी सुनते हो, आज खाने का सामान ही लाना। ठीक है, खाने का ही सामान लाऊंगा, लेकिन वापस आकर मैं चाय जरूर पीऊंगा। तुलाराम को उस दिन मजदूरी का एक बड़ा काम मिल गया और उसे अच्छे पैसे भी मिले। उस दिन वो घर के लिए थोड़ा सा राशन और चाय बनाने के लिए ढेर सारा सामान लेकर घर लौटा। आज फिर से चाय बनाने का सामान ले आए और वो भी इतना सारा। अरे चाय की दुकान खोलोगे क्या? चिंतामणि की बात सुनकर तुलाराम अचानक बहुत खुश हो गया। उसे इस तरह से चहकते हुए देखकर चिंतामणि बोली, क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? अभी क्या कहा तुमने? मैंने पूछा कि क्यों हंस रहे हो। नहीं नहीं, उससे पहले क्या कहा था? चाय की दुकान खोलोगे क्या? हाँ, अब मैं चाय की दुकान खोलूंगा और चाय बनाकर बेचूंगा। तुलाराम के पास एक लकड़ी का टेबल था। उसने उस टेबल पर चाय की दुकान लगाने की बात सोच ली। उस रात खा पी कर दोनों पति पत्नी सो गए। तुलाराम जल्दी से सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही उसने अपने लकड़ी के टेबल को घर से बाहर लगा दिया और अपने घर का चूल्हा घर के बाहर ले आया। तुलाराम उस चूल्हे पर चाय बनाने लगा और टेबल पर चाय के कप और केतली रख कर आवाजें लगाने लगा। चाय ले लो, ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म चाय ले लो, सिर्फ 5 रुपए की एक कप चाय। तुलाराम की आवाज़ सुनकर राहगीर उस तरफ खींचे चले जाते थे। आखिर दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में चाय किसे अच्छी नहीं लगेगी। अरे भाई एक कप चाय तो दो। हाँ हाँ अभी लो मालिक। तभी 2-3 लड़कों का झुंड वहाँ आया। हमें 3 कप चाय दे दो। तुलाराम ने उन्हें भी चाय दे दी। देखते ही देखते तुलाराम की चाय बिकती जा रही थी। तुलाराम चाय बनाता जाता और ग्राहक आते जाते। इस तरह से आधा दिन निकल गया। दोपहर हो गई थी। चिंतामणि बड़बड़ाती हुई घर से बाहर आई और बोली, सारा दिन बस लोगों को चाय ही पिलाते रहोगे या घर में खाना भी बनेगा? वो खाना बनाने के लिए किसने मना किया है? खाना कैसे बनेगा, चूल्हे पर तो तुम सुबह से चाय बना रहे हो। तुलाराम को इस बात का ध्यान ही नहीं था। वो तो चाय बनाने में इतना मस्त था कि उसे खाना खाने की भी कोई सुध नहीं थी। चूल्हा तो अब रात में ही मिलेगा, रात को खाना बना लेना। लो एक कप चाय पी लो। नहीं पीनी है तुम्हारी चाय। हे भगवान, मैं क्या करूँ इस आदमी का। काश कि कोई चाय देने वाला पेड़ होता, वो सारा दिन चाय देती और मुझे चाय की मुसीबत से छुटकारा मिल जाता। चिंतामणि इतना कहकर घर के अंदर चली गई। भूखे प्यासे सारा दिन गुजर गया। रात हो गई थी और ठंडी हवाएं चलने लगी थी। लोग अब तुलाराम की चाय की दुकान पर नहीं आ रहे थे। तब तुलाराम ने चूल्हा उठाकर घर की रसोई में ले जाकर रख दिया और अपनी पत्नी से कहा, लो बना लो खाना। चिंतामणि गुस्से में बुदबुदाते हुए खाना बनाने लगी। उधर तुलाराम ने पतीले में बची हुई चाय और चाय पत्ती को ले जाकर अपने घर के पीछे खड़ी बबूल के पेड़ की जड़ पर डाल दिया। उस रात खाना खाकर दोनों पति पत्नी सो गए। दूसरे दिन जब नींद खुली तब तुलाराम दातुन करने के लिए अपने घर के पीछे खड़े बबूल के पेड़ से दातुन तोड़ने गया। लेकिन बबूल के पेड़ को देखकर तुलाराम हैरान हो गया। उस पेड़ में बहुत सारे फल लगे हुए थे। अरे ये कैसा फल है, पूरा पेड़ फलों से भरा हुआ है। उसने आवाज लगाकर चिंतामणि को बुलाया, देखो इस पेड़ में आज अचानक इतने फल कैसे लग गए, कल तक तो यहाँ कुछ भी नहीं था। हाँ पूरे पेड़ में फल लगे हुए हैं, एक भी डाली खाली नहीं है, क्यों ना हम इन फलों को तोड़कर देखें। तुलाराम ने उनमें से एक फल को तोड़कर देखा और जब उस फल को चाकू से काट कर देखा तो उसमें से गर्मा गर्म चाय निकली। चाय देखकर तो तुलाराम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे ये तो चाय का फल है, ये पेड़ चाय कब से देने लगा? हे भगवान, तुम्हें यहाँ भी चाय दिखाई देने लगी, तुम पागल हो चुके हो, पेड़ भी कभी चाय देती है क्या?
नहीं नहीं मैं पागल नहीं हूँ, देखो सच में इस फल के अंदर चाय है और वो भी ताजी बनी हुई गर्मा गर्म चाय। चिंतामणि ने उस फल को देखा तो हैरान हो गई। हाँ लेकिन ये कैसे हो सकता है, भला कोई पेड़ चाय कैसे दे सकता है, कहीं ये कोई जादुई पेड़ तो नहीं। चिंतामणि और तुलाराम सोच ही रहे थे कि तभी उस पेड़ से आवाजें आने लगी। तुलाराम मैं वर्षों से तुम्हारे घर के पीछे खड़ा हूँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और तुम दोनों की हर मनोकामना पूरी कर सकता हूँ। मुझे वरदान प्राप्त है कि मेरी जड़ को जिस चीज से सींचा जाएगा मैं उसी का फल देने लगूंगा। अब तक तो तुमने मेरी जड़ में सिर्फ पानी डाला था, लेकिन कल रात तुमने मेरी जड़ में बची हुई चाय और चाय पत्ती डाली थी। तुमने मेरी जड़ को चाय से सींचा है, इसलिए मैं अब चाय का फल देने लगा हूँ। तुम मुझसे जितनी चाय का फल तोड़ोगे मैं उतने ही दुगनी रफ्तार से दूसरा फल दूंगा और सभी फल में से गर्म गर्म और ताजी चाय निकलेगी। ये सुनते ही तुलाराम और चिंतामणि दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह चाय का पेड़, ये तो कमाल हो गया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई पेड़ चाय भी दे सकता है। अरे अब बातें करने का समय नहीं है, मेरे दुकान पर लोग चाय पीने आते ही होंगे, जल्दी से इन चाय के फलों को तोड़ने में मदद करो मेरी। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं चाय का फल तोड़ने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। अब तो तुम मेरा चूल्हा नहीं ले जाओगे ना, आज मैं चूल्हे पर खाना बनाऊंगी और गर्मा गर्म खाना खाऊंगी। इस चाय के जादुई पेड़ से तो हम दोनों का ही काम हो जाएगा। तुलाराम और चिंतामणि जल्दी जल्दी चाय के पेड़ से फल तोड़ते हैं और उसमें से चाय निकाल कर केतली में भर देते हैं। अरे वाह पेड़ ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही हो रहा है, एक फल तोड़ते ही फौरन दो दो फल लग जाते हैं। तुलाराम अपनी चाय की केतली भर कर अपने घर के बाहर खड़ा हो जाता है। वो टेबल पर चाय और कप सजा कर रख देता है और आवाजें लगाने लगता है। चाय ले लो, ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म चाय ले लो, सिर्फ 5 रुपए की एक कप चाय। लोग तुलाराम की दुकान पर चाय पीने आने लगे। अरे तुलाराम आज तुम चाय नहीं बना रहे हो, ये चाय पहले से बना रखी है क्या? नहीं नहीं साहब, चाय तो मेरी पत्नी अंदर चूल्हे पर बना रही है, आप पीकर तो देखो चाय एकदम ताजी है। लोगों ने तुलाराम की चाय पी। चाय तो सचमुच में ताजी है और बहुत स्वादिष्ट भी है, इस चाय को पीकर तो मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। पियो पियो और पियो, एक कप और दो साहब। हाँ एक कप चाय और दे दो और एक कप चाय पैक भी कर दो, आज मैं अपनी पत्नी को भी तुम्हारी चाय पिलाऊंगा। हाँ हाँ ये लो साहब अभी पैक कर देता हूँ। इस तरह से तुलाराम अपने ग्राहकों को चाय देने वाले जादुई पेड़ की चाय पिलाने लगता है। जैसे ही केतली में चाय खत्म होने वाली होती, चिंतामणि चाय के जादुई पेड़ से चाय के और भी फल तोड़ कर ले आती और केतली में चाय भरकर तुलाराम को दे देती। चाय बेचकर दोनों पति पत्नी की खूब कमाई हो रही थी। अरे वाह आज तो खूब कमाई हुई है, पैसे बरस रहे हैं पैसे, इस चाय देने वाले जादुई पेड़ की वजह से हमें चाय बनाने का सामान भी नहीं खरीदना पड़ रहा है और ना ही चाय बनानी पड़ रही है, बस पेड़ से चाय का फल तोड़ो और चाय बेचो। अब हम बहुत अमीर बन जाएंगे, हम तो बिना लागत के मुनाफा कमा रहे हैं। तुलाराम हर रात बबूल के जादुई पेड़ को बची हुई चाय से सींचता और वो जादुई पेड़ उतनी ही अधिक चाय देता। तुलाराम और चिंतामणि ने बिना मेहनत किए ही बहुत पैसे कमा लिए थे, अब उनके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। एक रात चिंतामणि और तुलाराम दोनों सो रहे थे तभी बाहर से कुछ आवाजें आने लगी। आवाज सुनकर चिंतामणि जाग गई, उसने तुलाराम को जगाया। अजी सुनते हो, उठो देखो हमारे घर के पीछे से अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। चलो चलकर देखते हैं। तुलाराम आलसी तो था ही, वो आलस के मारे कंबल से बाहर नहीं निकला। अरे बाहर कितनी सर्दी है, इतनी रात में कौन होगा भला, ठंड के मारे मेरी हड्डियाँ कपकपा रही हैं। तुम सो जाओ सुबह देखेंगे। कैसे आदमी हो तुम, तुम्हें याद नहीं है क्या बाहर हमारी चाय देने वाला जादुई पेड़ खड़ा है, कहीं कोई उसे काट कर ले गया तो क्या होगा। अरे इतनी सर्दी की रात में कौन पेड़ काटने आएगा। तुलाराम का आलस देखकर चिंतामणि खुद उठकर बाहर गई और उसने देखा कि कुछ लोग चाय देने वाले जादुई पेड़ को काट रहे थे। उसने घर में आकर तुलाराम को बताया। अजी सुनो, कोई हमारे चाय देने वाला जादुई पेड़ चोरी कर रहा है। ये सुनते ही तुलाराम का सारा आलस भाग गया और वो दौड़कर घर के बाहर गया, लेकिन तब तक चोर पेड़ की लकड़ियां लेकर भाग चुके थे। तुलाराम अपना सिर पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। अब उसके पास मेहनत करके चाय बनाने और उसे बेचने के अलावा कोई और चारा नहीं था। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा हो रखा था, रास्तों में ओस जम गई थी, ठंड इतनी थी कि लोगों के हाथ पैर सुन पड़े जा रहे थे। इतनी ठंड में ऑटो वाला रमेश अपना ऑटो लेकर रास्तों में घूम रहा था, उसे पैसेंजर की तलाश थी। साहब कहीं जाना है क्या, आइए मैं छोड़ देता हूँ। रमेश को एक आदमी दिखा तो रमेश ने उससे पूछ लिया, लेकिन उस आदमी ने कहा, अरे नहीं भाई साहब, मेरा घर पास ही में है,
मैं तो बस कुछ दवाइयाँ खरीदने गया था। दवाई? इस शब्द को सुनकर रमेश की बोलती बंद हो गई, क्योंकि उसे भी तो दवाई खरीद कर घर जाना है। घर पर उसकी 3 साल की बेटी बीमार है और उसकी गर्भवती बीवी दर्द के मारे तड़प रही है। रमेश के पास उन लोगों के लिए दवाई तक खरीदने के पैसे नहीं है, इसीलिए तो वो इतनी रात को इतनी ठंड में ऑटो लेकर बाहर निकला है। लेकिन अफसोस, उसे एक भी भाड़ा नहीं मिला। वो खाली हाथ घर लौटा। घर लौटते ही उसकी बूढ़ी माँ उसके पास आई। बेटा आ गया, बेटा खाने को कुछ लाया है क्या? खाना नहीं माँ। बहू और पोती की दवाई? नहीं माँ, नहीं ला पाया, एक भी भाड़ा नहीं मिला, ऊपर से ऑटो का तेल भी खत्म हो गया। रमेश को अपनी गरीबी पर शर्म आने लगी। उसकी बेटी पूजा को बुखार है। उसने कहा, कोई बात नहीं पापा, आप आ गए ना, यही बहुत है, हमें बहुत चिंता हो रही थी। उसकी गर्भवती बीवी सरला ने दर्द से तड़पते हुए कहा, हाँ हम सब कब से आप ही का इंतजार कर रहे थे, हम भूखे भी रह लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन एक मर्द ही समझ सकता है कि रमेश के दिल के अंदर तब क्या चल रहा था। वो दवाई और खाना तक नहीं खरीद पाए। लेकिन उस रात उन लोगों के साथ और भी कुछ बुरा होने वाला था और उसके लिए वो लोग तैयार नहीं थे। रात बढ़ते ही ठंड पड़ने लगी। उन लोगों का घर टूटा फूटा था, इसीलिए घर के अंदर भी ठंड पड़ रही थी। वो चारों एक रजाई में ही सोए हुए थे। बीच रात को पूजा का बुखार बढ़ने लगा। आह, आह, माँ, पापा, मेरे हाथ पैर पे दर्द हो रहा है। आह। ये सुनकर रमेश और सरला पूजा के सर पर जल पट्टी करने लगे, और कर भी क्या सकते थे वो। लेकिन अभी तो और भुगतना बाकी था। पूजा की तबीयत ठीक हो ही रही थी कि तभी जोर से तूफान आ गया। अरे बाप रे, इतनी ठंड के मौसम में तूफान कहाँ से आ गया? लगता है भगवान ने आज हम जैसे गरीबों को अपने पास बुलाने का फैसला कर ही लिया है। अरे नहीं माँ, ऐसा मत कहिए, भगवान दयालु है, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाहर बहुत ज्यादा तूफान शुरू हो गया। जो 2-3 दुकानें खुली थी वो भी बंद होने लगी। बाहर कुछ लोग बैठ कर आग सेक रहे थे। अरे ये क्या, इतना भयानक तूफान, सारे पेड़ जोर जोर से हिल रहे हैं, भागो भागो। सभी इधर उधर भागने लगे। रमेश अपने परिवार के साथ अपने घर के अंदर डर से सहमा हुआ बैठा रहा। और तभी एक दुर्घटना घट गई। उन लोगों के घर के पास ही एक बड़ा सा पेड़ था। तूफान में वो पेड़ अचानक से उन लोगों के घर के ऊपर गिर गया और घर टूट गया। अरे बाप रे, ये क्या। जानकी के पैर में चोट लग गई, वो लंगड़ाने लगी। हे भगवान, ये किस बात की सजा दे रहे हैं आप हमें, हमने आखिर कौन सी गलती की है। चारू बैठकर रोने लगे। उनका घर भी नहीं रहा। वो लोग वहाँ से निकलकर ऑटो के अंदर चले आए। बैठ जाओ सभी, आज से यही हमारा घर है। जानकी, सरला और पूजा ऑटो के अंदर बैठ गए। लेकिन ऑटो में तेल नहीं था, इसलिए रमेश ऑटो धकेलने लगा। हे भगवान, मुझे शक्ति दीजिए, भगवान शक्ति दीजिए। इतनी ठंडी और ऊपर से तूफान, तूफान के चलते ठंडी दुगनी हो गई। रमेश की बोलती बंद हो जा रही है। जानकी कहती है, ऐसी ठंड मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी, अब हमें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। सरला गर्भवती है, उसकी तकलीफ सबसे ज्यादा है, उसके पेट में भयानक दर्द हो रहा है, लेकिन वो बर्दाश्त करके चुप बैठी है। लेकिन ज्यादा देर वो चुप होकर बैठ नहीं पाई, उसके पेट में भयानक दर्द शुरू हो गया। रमेश बेसहारा सा महसूस करने लगा। सब कुछ आज रात को ही होना है क्या। ऐसे ही कुछ देर बीत गए। ऑटो के अंदर सरला तड़पती रही और ऑटो में ही उसकी डिलीवरी हो गई, उसे एक बेटी। सरला ने उसे अपनी गोद में जोर से जकड़ लिया ताकि उसे ठंड ना लगे, और अपनी बेटी का चेहरा देखकर रमेश को जैसे शक्ति मिल गई। वो दुगने जोर से ऑटो को धकेलने लगा। बारिश में रमेश पूरा भीग गया। ऑटो के अंदर वो लोग सुरक्षित बैठे रहे। ऐसी सुबह हो गई। भूख, दर्द और ठंड के मारे सभी बेकाबू हो गए थे। एक जगह आकर रमेश ने हार मान ली। नहीं, और नहीं होगा, और नहीं होगा। रमेश ऑटो छोड़कर बैठ गया। तभी उन लोगों ने देखा कि एक जगह कच्चे चावल, कच्चे दाल और सब्जियां बांटी जा रही हैं। ये देखकर सरला ने कहा, भला कच्चे चावल और सब्जी लेकर हम क्या करेंगे।
तभी पूजा को एक आइडिया आया। माँ, हम इसका इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए कर सकते हैं। मतलब इतनी ठंड में गर्मा गर्म खिचड़ी किसको अच्छी नहीं लगती, हम खिचड़ी बनाकर बेचेंगे। पूजा का आइडिया सबको अच्छा लगा। नवजात बच्ची को लेकर वो 5 लोग थे, इसीलिए उनको बहुत सारा चावल, दाल और सब्जी मिली। रमेश ने लकड़ियों का इंतजाम किया और पूजा और सरला जानकी ने मिलकर खिचड़ी बनाई। आइए साहब, आइए, ठंडे ठंडे मौसम में हमारा गर्मा गर्म खिचड़ी खाइए। ये सुनकर कुछ लोग खिचड़ी खाने के लिए आए और खिचड़ी खाकर उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, इतने ठंडे में ऐसी खिचड़ी मिल जाए तो और क्या चाहिए। पहले दिन ही 1000 रुपए की कमाई हो गई। सब लोग बहुत खुश हो गए। अरे वाह बेटी, तूने तो कमाल कर दिया। रमेश ने उन पैसों से कल के लिए चावल, दाल और सब्जी खरीदी और बाकी पैसों से दवाई और खाना। रात को उन लोगों ने पेट भर कर खाना खाया। कितने दिनों के बाद हम पेट भर कर खाना खा रहे हैं। मत रो माँ, मत रो, मुश्किल दिन गए, अब हम हर रोज पेट भर कर खाएंगे। खाना खाकर वो लोग ऑटो के अंदर ही सो गए। अगले दिन फिर से खिचड़ी बनाई गई और आज कल से भी ज्यादा लोगों ने खिचड़ी खाई। ऐसे ही हर रोज खिचड़ी बिकती रही और उन लोगों के पास पैसे आते रहे। उन्हीं पैसों से रमेश ने एक बड़ा सा ऑटो खरीदा और वो लोग ऑटो लेकर पूरे शहर में खिचड़ी बेचते रहे। अरे वो देखो, ऑटो खिचड़ी वाला आ गया, चलो चलो। हाँ हाँ, चलो चलो भाई, ठंड में स्वादिष्ट खिचड़ी खाने का मजा ही कुछ और है। ऐसे ही वो लोग अमीर हो गए और रमेश ने एक बड़ा सा घर खरीद लिया, लेकिन उसने ऑटो नहीं बेचा। अब उन लोगों को ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन लोगों को सब कुछ मिल गया और सभी खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे।